हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर में बेस्ट 25 क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। बेस्ट 25 क्वेश्चंस देखेंगे और 25 में से 25 स्कोर हो ये अपने आप से प्रॉमिस करेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप किसी कंप्यूटर बैच से कनेक्ट होना चाहते हैं और आप सोच रहे थे कोई एक ऐसा बैच हमें मिल जाए जो कि परफेक्ट बैच हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एग्जाम की बात करें, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जाम की बात करें, तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यही बैच आपका परफेक्ट रहने वाला है। क्या है इस बैच की खास बात? यहां पर आपको 55+ आवर की वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा और भी बहुत कुछ। वैलिडिटी रहने वाली है 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पेपर में फुल आउट ऑफ फुल और आईबीपीएस आरआरबी पीओ में भी या क्लर्क के पेपर में मैक्सिमम स्कोर करेंगे। कैसे इस बैच से आप कनेक्ट हो सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर के थ्रू और वहां पर आप इस बैच यानी आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2022 जो कि स्टार्ट हुआ था 2 फरवरी से, इसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं। कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी, कोई दूसरी पीडीएफ नहीं पढ़नी, सिर्फ ये बैच आपका 100% सफिशियंट रहने वाला है। चलिए आज के सेशन में बात करते हैं बेस्ट 25 क्वेश्चंस की और देखते हैं एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट को। हैव अ लुक। अ डैश इज अ वेबसाइट लाइक एनी अदर बट इट इज इंटेंडेड टू ऑफर पर्सनल ओपिनियन लाइक हॉबीज, इंटरेस्ट, कमेंट्रीज, फोटो ईटीसी। कह रहा है ये वेबसाइट की तरीके से ही होती है, लेकिन यहां पर खास क्या है? यहां पर आपकी पर्सनल ओपिनियन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, इसे क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल, ब्लॉग, वेब पेज, जर्नल या नन ऑफ दीस? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लॉग, यानी सेकंड इज द राइट वन। देखिए ब्लॉग और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है तो दोनों सिमिलर ही, लेकिन वेबसाइट हम ऑफिशियल टर्म्स में यूज करते हैं और ब्लॉग का यूज पर्सनल फिनोमिना के सेंस में यूज करते हैं, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल हॉबीज, पर्सनल डिस्कशन के लिए ब्लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा। अ डैश इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ओवर अ नेटवर्क एंड इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वाया रियल टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज इंटरनेट। कह रहा है इंटरनेट पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है जो कि नेटवर्क में चारों तरफ फैली हुई है एंड इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर, जहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स का यूज किया जा रहा है और रियल टाइम पर कम्युनिकेशन हो रही है, इसको क्या बोलेंगे? तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे हमारा जीमेल अकाउंट भी एक तरीके का क्या है? क्लाउड नेटवर्क है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, जहां पर सभी डेटा को हमने इंटरनेट पर स्टोर किया हुआ है, यानी क्लाउड पर स्टोर किया हुआ है। तो क्लाउड सर्वर्स का जहां पर यूज होगा दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग विच इज अ टाइप ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। क्या ये बात आपको समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा। फायरवॉल इज अ टाइप ऑफ, बताइए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। फायरवॉल क्या है? वायरस है, सिक्योरिटी थ्रेट है, वॉर्म है, ऑल ऑफ दीज है या नन ऑफ दीज है? फायरवॉल हम लोग जानते हैं इसका यूज किया जाता है किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो ये वायरस है? बिल्कुल नहीं। क्या ये सिक्योरिटी थ्रेट है? थ्रेट का मतलब होता है रुकावट। क्या ये सिक्योरिटी से रोकता है? नहीं, सिक्योरिटी देता है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। वॉर्म है, राइट वंस रीड मैनी, बिल्कुल नहीं। ये ऑल ऑफ दीज है, बिल्कुल नहीं। मीन्स आंसर यहां पर बनेगा नन ऑफ दीज, ये इनमें से कुछ भी नहीं, राइट? तो देखिए यहां पर हमने आपको समझाने की कोशिश भी करी है कि फायरवॉल क्या करता है।
अगर डेटा पैकेट्स ऑथराइज्ड हैं, वो एक अच्छे सोर्स से आ रहे हैं, तो उसको जाने की परमिशन देगा। लेकिन अगर वो ऑथराइज्ड नहीं है, अनऑथराइज्ड है, किसी हैकर के थ्रू वो भेजा जा रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा फायरवॉल। और फायरवॉल क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को फायरवॉल बोला जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि फायरवॉल क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो आंसर होगा इट इज बोथ ऑफ दीज, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच टू अ सेल इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में सेल के साथ में एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया जाता है, जिसमें उसके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। अब उस बॉक्स को क्या बोलते हैं जिसमें टेक्स्ट अटैच करते हैं सेल के साथ? कॉल आउट, कमेंट, डायलॉग, एक्सटेंशन या फॉर्मूला? एंड द करेक्ट आंसर इज कमेंट। देखिए, कमेंट वो सेक्शन है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा इमेज में, कि एक सेल के साथ में हमें कई बार सेल की इंफॉर्मेशन को कमेंट के फॉर्म में यहां पर देना होता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कमेंट सेक्शन फॉर अ सेल। इन एमएस एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर? कह रहा है ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसका यूज करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए? एमएस वर्ड में भी, एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी इसी का यूज होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज F7। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि थेसोरस के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो थेसोरस मतलब होता है एंटोनिम और सिनोनिम, इसके लिए यूज होती है शिफ्ट के साथ F7। जबकि स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर को चेक करने के लिए सिर्फ F7 की का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इफ यू वॉन्ट टू टाइप अ करेक्टर विच इज नॉट देयर इन दी कीबोर्ड, फॉर एग्जाम्पल दी कॉपी राइट सिंबल, हाउ वुड यू ब्रिंग सच अ करेक्टर इन योर टेक्स्ट? कह रहा है कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है कुछ ऐसे सिंबल्स की जो हमारे कीबोर्ड में होते ही नहीं, और वो हमें टाइप करने हैं, तो कैसे करेंगे? जैसे कॉपीराइट का सिंबल, ट्रेडमार्क का सिंबल, ये सब कैसे हम लोग कर पाएंगे? तो इसके लिए एक बहुत सुंदर तरीका है, विंडोज के साथ आर प्रेस करिए, रन कमांड ओपन होगा, और रन कमांड में आपको टाइप करना होगा कैर मैप। कैर मैप, कैर मैप का मतलब कैरेक्टर मैप होता है, जिसको शॉर्ट में कैर मैप आप लिखते हैं बिना किसी स्पेस के। जैसे ही आप बिना किसी स्पेस के कैर मैप लिखेंगे, तो ये आपका पेज ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा कैरेक्टर मैप। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सिंबल्स यहां पर बने हुए हैं, और इसके थ्रू आप किसी भी सिंबल्स को वहां पर ऐड कर सकते हैं। तो एक बार फिर से विंडोज आर, कैर मैप टाइप करेंगे, और कैरेक्टर मैप का पूरा आपका बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें जो भी स्पेशल सिंबल चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या होती है? गटर मार्जिन वो मार्जिन होती है जब आप मार्जिन छोड़ते हैं प्रिंटिंग के दौरान बाइंड करने के लिए पेजेस को। तो बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई मार्जिन प्रिंटिंग के समय, दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन, जो कि आपकी टॉप में भी हो सकती है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी हो सकती है। तो इसकी दो पोजीशन होती हैं, एक टॉप और एक लेफ्ट। तो आंसर क्या होगा? मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के दौरान बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई मार्जिन, दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट सेट्स द स्टैंडर्ड यूज्ड बाय एवरी कंप्यूटर दैट एक्सेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन? बताइएगा। बिल्कुल सही, देखिए बहुत ही सिंपल वे में यहां पर क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है दैट सेट्स द स्टैंडर्ड यूज्ड बाय एवरी कंप्यूटर, जो हर एक कंप्यूटर के थ्रू इस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा, आप कोई भी यूआरएल अगर टाइप करते हैं, कोई भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं, तो आप लिखते हैं google.com, है ना, सपोज करिए, या facebook.com, और साथ ही साथ में HTTP प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली लग जाती है।
या HTTP HTTPS, तो इसका मतलब यहां पर आंसर होगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर है? दैट इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड ओवर द इंटरनेट या नेटवर्क। व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ कीज डू यू प्रेस टू एंटर द करेंट डेट इन अ सेल इन एमएस एक्सेल? अगर एक्सेल शीट में आपको करेंट डेट इंसर्ट करनी है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट कॉलन, कंट्रोल सेमी कॉलन, कंट्रोल F10, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तो बिल्कुल, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, 2007 में पूछा गया था, और इसका आंसर होगा कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का जैसे ही आप यूज करेंगे एक्सेल शीट में, तो करेंट डेट यानी जो आज की डेट है, जो टुडेज डेट है, वो ऑटोमेटिकली वहां पर प्रिंट हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, टू असाइन अ नेम टू लोकेट रीच अ स्पेसिफिक पॉइंट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, द यूजर शुड क्रिएट। टू असाइन अ नेम टू लोकेट अ स्पेसिफिक पॉइंट यानी स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचने के लिए एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसका यूज करते हैं? अगर हमें किसी पार्टिकुलर पेज पर पहुंचना है, किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचना है, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? हाइपरलिंक, बुकमार्क, कमेंट, मैक्रो या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज बुकमार्क का यूज किया जाए। तो याद रखिएगा, एमएस वर्ड में इंसर्ट पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको बुकमार्क का एक ऑप्शन मिलता है, और यहां से आप बुकमार्क कर सकते हैं लोकेट और रीच होने के लिए स्पेसिफिक पॉइंट पर। नेक्स्ट, व्हाट डज सम इफ फंक्शन इन एमएस एक्सेल डू? एक्सेल में सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सम का मतलब जोड़ना, और इफ क्या है, एक कंडीशन है। तो कंडीशन के साथ में अगर हमें सम करना होगा तो सम इफ का यूज होगा। इसका मतलब यहां पर जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? एड अप दी सेल वैल्यूज बेस्ड ऑन अ कंडीशन। एड करेंगे इफ मतलब एक कंडीशन के साथ में, दैट इज दी करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड विच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग? कह रहा है एमएस वर्ड में कितने तरीके की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है, ये आपको पता होगा, तो आप बिल्कुल बता पाएंगे कि इसमें से कौन सा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का पॉइंट नहीं है। अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, लाइन स्पेसिंग, अंडरलाइन स्टाइल या नन ऑफ दीज? तो यहां पर तीन तरीके की पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है, एक अलाइनमेंट यानी मार्जिन, एक इंडेंटेशन और लाइन स्पेसिंग। ये तीन तरीके की होती हैं, लेकिन अंडरलाइन स्टाइल इस नाम का कोई भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में नहीं होता। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पर पैराग्राफ का जो पॉपअप यहाँ पर खुला हुआ है, इसमें इंडेंट और स्पेसिंग का ऑप्शन है, अलाइनमेंट का ऑप्शन है, लाइन एंड पेज ब्रेक का ऑप्शन गिवेन है, जबकि अंडरलाइन स्टाइल का कोई भी ऑप्शन गिवेन नहीं है। नेक्स्ट, डीएनएस इज अ एक्रोनिम फॉर, यानी डीएनएस किसकी शॉर्ट फॉर्म है ये आपको बताना है। डीएनएस का मतलब आप जानते हैं, डोमेन नेम सिस्टम होता है जिसका काम होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। जैसे आप लिखते हैं google.com, तो उसके रिस्पेक्टिव आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है कौन? डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम सर्वर। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड व्हेन यू रिपीट द सेम फॉर्मेटिंग एट डिफरेंट प्लेसेस इन योर डॉक्यूमेंट यू कैन टेक हेल्प ऑफ। कह रहा है एमएस वर्ड में अगर आपको रिपीट करनी है एक ही जैसी फॉर्मेटिंग को अलग अलग जगह पर, तो आप किसकी मदद से ये काम कर सकते हैं? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, स्टाइल, टैब या नन ऑफ दीज? तो रिपीट करने के लिए एक ही फॉर्मेटिंग को हम स्टाइल का यूज करते हैं। याद रखिएगा, वी यूज स्टाइल टू रिपीट दी सेम फॉर्मेटिंग। कहाँ मिलेगा ये? जैसे ही आप जाते हैं होम पर, वहां पर आपको देखिए स्टाइल का एक ऑप्शन मिलता है, देखा होगा कई बार आपने, नॉर्मल लिखा होता है, नो स्पेसिंग लिखा होता है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, ये सब आपके क्या है? स्टाइल। क्लियर?
क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, विच टूल इन एमएस एक्सेल इज यूज्ड टू क्रिएट हेडिंग एंड स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कॉलम। आप कह रहे होंगे सर यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चन एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से ही मिल रहे हैं। बिल्कुल सही है, 2017 में आपके लगभग 80% क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट से। बाकी बची हुए जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए थे आपके इंटरनेट से, नेटवर्किंग से। तो नेटवर्किंग, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है आपके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पेपर्स में, है ना, इसको याद रखिएगा। तो विच टूल इन एमएस एक्सेल इज यूज टू क्रिएट हेडिंग एंड स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कॉलम। एमएस एक्सेल में हेडिंग क्रिएट करने के लिए या मल्टीपल कॉलम्स को मिलाने के लिए एक तरीके से किसका यूज किया जाता है? कंबाइंड टूल, मर्ज सेल्स टूल, कॉन्सोलिडेटेड टूल, ज्वाइन सेल्स टूल, या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज मर्ज सेल टूल। हेडिंग हमें क्रिएट करने के लिए या मल्टीपल कॉलम्स को स्प्रेड करने के लिए, मतलब मिलाने के लिए मर्ज करना पड़ता है हमें कॉलम्स को। तो आंसर क्या होगा? मर्ज सेल टू। नेक्स्ट, डैश मॉनिटर यूजर एक्टिविटी ऑन इंटरनेट एंड ट्रांसमिट दैट इंफॉर्मेशन इन द बैकग्राउंड टू समवन एल्स। कह रहा है इंटरनेट पर ऐसा कौन है जो मॉनिटर करता है हर एक एक्टिविटी को, देखता रहता है हर एक एक्टिविटी को और ट्रांसमिट कर देता है किसी दूसरे को। जो हैकर होगा उसको सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करके भेज देता है, ऐसा कौन? मैलवेयर, एडवेयर, स्पाइवेयर, स्पैम या ऑल ऑफ दीस। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा स्पाइवेयर। छुप के देखने को बोला जाता है स्पाई, ठीक। तो स्पाइवेयर क्या है? जो मॉनिटर करता है आपकी इंफॉर्मेशन को बहुत चुपके से और फिर चुपके से भेज देता है किसी थर्ड पार्टी को, किसी हैकर को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट वन। कह रहा है इसमें से ऐसी कौन सी मेमोरी यूनिट है जो कि सबसे बड़ी है। हम जानते हैं कि सबसे पहले स्मॉलेस्ट है बिट, बिट के बाद आती है निबल, फिर निबल के बाद बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, है ना, इस तरीके से आपका सीक्वेंस चलता है। तो यहां पर दिए हुए ऑप्शंस में योटाबाइट आपकी क्या है? लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है। इसका मतलब यहाँ पर जो आप आंसर लगाएंगे वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाएंगे, बाकी सीक्वेंस मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। इसका यूज किया जाता है टू इंक्रीज दी फॉन्ट साइज। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल इफ यू वांट टू शो यूनिक वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम विच फीचर कैन हेल्प। एमएस एक्सेल में अगर आपको पूरी यूनिक वैल्यूज चाहिए और आप चाहते हैं कि जो डिलीटेड या डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो हट जाएं, तो इसके लिए क्या करेंगे? तो देखिए कहीं पर ये नहीं लिखा गया है कि डुप्लीकेट वैल्यू हटानी है, ये लिखा गया है कि यूनिक वैल्यू आपको शो करना है। तो मतलब तो यही है, जब डुप्लीकेट वैल्यू को आप हटा देंगे तो यूनिक वैल्यू शो हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा रिमूव डुप्लीकेट। अभी रिमूव डुप्लीकेट मिलेगा कहां पर? तो एक्सेल में डेटा टैब के अंदर आपको रिमूव डुप्लीकेट के नाम से मिल जाता है। तो डेटा, देन डेटा टूल्स, देन रिमूव डुप्लीकेट। नेक्स्ट, वी कैन सेव अवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एज अ पावर पॉइंट शो विद डैश एक्सटेंशन। हम जानते हैं कि पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पीपीटी होता है, लेकिन यहां पर पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नहीं पूछा जा रहा, यहां पूछा जा रहा है पावर पॉइंट शो का एक्सटेंशन, यानी पावर पॉइंट स्लाइड शो का एक्सटेंशन, और इसका एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीएसएक्स। डॉट पीपीएस होता है और लेटेस्ट के लिए एक्स लग जाता है, तो आंसर हो गया डॉट पीपीएसएक्स। क्लियर है? अब एस का मतलब यहां पर क्या है? स्लाइड शो।
और एक्स का मतलब है लेटेस्ट, पीपी का मतलब है पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट स्लाइड शो इन लेटेस्ट वर्जन 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 और 2021 तक के प्लेटफॉर्म्स में यही एक्सटेंशन आपका यूज होगा। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग अ चार्ट फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल। कह रहा है एक्सेल शीट में ऐसी कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की है जिसके थ्रू आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक्सेल में चार्ट को इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या है, F3, F5, F7 या F11? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज F11। F11 जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक्सेल में डेटा की रेंज को सिलेक्ट करके या डेटा को सिलेक्ट करके, तो इस तरीके से आपके सामने चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल इन एमएस वर्ड। वेरी 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 पॉपुलर क्वेश्चन। तो एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? अभी मैंने आपको एक तरीका और भी बताया था, कैरेक्टर मैप के थ्रू। तो आप विंडोज आर प्रेस करिए, कैर मैप लिखिए और एंटर कर दीजिए, तो वो आपके सामने टेबल आ जाएगा और उसके थ्रू आप जो भी स्पेशल सिंबल चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑल्ट कंट्रोल सी, ये शॉर्टकट की होती है कॉपीराइट सिंबल को इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में अगर आपको कोई नई स्लाइड ऐड करनी है, न्यू स्लाइड क्या करनी है, ऐड करनी है, क्रिएट नहीं करनी। टू ऐड अ न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट वी यूज Ctrl+M। नई स्लाइड अगर क्रिएट करनी है तो Ctrl+N करेंगे, Ctrl+M करेंगे टू ऐड अ न्यू स्लाइड। याद रखिएगा इस बात को। तो होम पर जाएंगे, न्यू स्लाइड का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर देंगे और आप देख भी सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है Ctrl+M। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड इफ यू वांट टू डिस्प्ले द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इन योर टेक्स्ट एट द बॉटम ऑफ द लास्ट पेज विच फीचर विल हेल्प यू। कह रहा है एमएस वर्ड में अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को बॉटम में, लास्ट पेज में, यानी लास्ट पेज के बॉटम एरिया में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, बहुत आसान है, यू विल चूज द ऑप्शन ऑफ फुट नोट। फुट नोट के थ्रू क्या हो जाएगा कि जो भी आप नीचे लिखेंगे वो फुट नोट में आपका आ जाएगा। तो यू विल चूज द ऑप्शन दैट इज फुट नोट टू राइट एट द बॉटम ऑफ द लास्ट पेज। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है कई बार। विच कंपोनेंट ऑफ एम एस एक्सेल डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। एम एस एक्सेल का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो डिस्प्ले करता है एक्टिव सेल के एड्रेस को? फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, रो हेडर, कॉलम हेडर या ऑल ऑफ दीज? तो एड्रेस की जब भी बात होगी एक्टिव सेल में तो आंसर आपका क्या होगा, नेम बॉक्स होगा। नेम बॉक्स आप देख सकते हैं कि जिस सेल को आप सिलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस जो होगा वो आपको नेम बॉक्स में दिखाई देगा। जैसे हमने A1 सिलेक्ट की है तो A1 लिख कर आ रहा है, A2 पर क्लिक करेंगे तो A2 लिख कर आ जाएगा। दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड नेम बॉक्स दैट शोज एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। तो ये रहे आपके बेस्ट 25 क्वेश्चंस। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। नो डाउट कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेटवर्किंग, मेलवेयर जैसे टॉपिक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ यही पढ़ के जाने हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पैटर्न पूरी तरीके से बदल भी देते हैं। तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन बनेंगे, डैम श्योर है, लेकिन कितने बनेंगे है ना, ये परफेक्टली नहीं कहा जा सकता। इसलिए सेफर एंड कंप्लीट सिलेबस पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कंप्यूटर बहुत आसान है, एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो यहां पर आप 25 में से 25 100% कर सकते हैं बहुत कम समय में। और वाकई में अगर आप पूरा स्कोर करना चाहते हैं, किसी दूसरी बुक को प्रेफर नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो पे पूरी तरीके से बिलीव करिए, क्योंकि क्वेश्चन 100% गारंटीड यहीं से ही आएगा। कोर्स से एनरोल कर सकते हैं जो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि सर 100% श्योरिटी है,
और आप खुद कह देंगे कि सर ऐसा हो नहीं सकता कि हम 100% स्कोर ना करें। अरोड़ा एजुकेटर ऐप पर जाइएगा, IBPS RRB वाले बैच से एनरोल हो जाइएगा, एक बार पढ़ के देखिए, मजा आ जाएगा आपको। इतने बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट, सारे MCQs टॉपिक वाइज, इसके बाद मॉक टेस्ट, अराउंड 700 क्वेश्चंस प्लस मॉक टेस्ट में, गारंटीड है उसके बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो बाकी बताइएगा कैसा लगा आपको सेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।